बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम गाइडन के 13th एडिशन के 34th चैप्टर रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हम RBCs को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम WBCs के साथ डील करेंगे। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, ल्यूको यानी कि वाइट और साइट यानी कि सेल्स। ये ल्यूकोसाइट्स आपकी बॉडी के मोबाइल डिफेंस यूनिट हैं, जिससे मुराद है कि ये आने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनकी साइट ऑफ फॉर्मेशन के हवाले से ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरह RBCs बोन मैरो में बनते हैं, इस तरह मेजॉरिटी वाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में ही बनते हैं, ख़ासतौर पर ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और कुछ लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स से अगर आप इस नाम से नावाकिफ हैं तो ये बात याद रखें कि मोनोसाइट्स मैक्रोफेज की इमेच्योर फॉर्म है। जब मैक्रोफेजेस ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं तब वो मोनोसाइट्स कहलाते हैं। मोनोसाइट्स में फेगोसाइटोसिस की एबिलिटी नहीं होती। मोनोसाइट्स जब ब्लड वेसल से निकल कर टिश्यू में आते हैं तब ये एक्टिव होते हैं और फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं और अब ये मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। सेकेंड साइट ऑफ फॉर्मेशन फॉर WBCs इज़ द लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू जैसे कि लिम्फॉइड ग्लैंड्स में, स्प्लीन में, थाइमस में, टॉन्सिल्स में, बोन मैरो में और GIT की वॉल्स में पायर पैचेस की शक्ल में जो मौजूद होता है, वहाँ पर भी कुछ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि WBCs को RBCs से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसके बरक्स तमाम WBCs के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ना सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद होते हैं बल्कि इनकी शेप्स और इनकी लोब्स डिफरेंट होती हैं और इन लोब्स की बेसिस पे और न्यूक्लियस की बेसिस पे हम वाइट ब्लड सेल्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इनका साइज़ RBCs की निस्बत लार्जर होता है जबकि RBCs स्मॉलर साइज़ के होते हैं। क्योंकि RBCs का काम ऑक्सीजन कैरी करना है तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, जबकि WBCs के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती और इनकी डिग्रेडेशन से बाइल नहीं बनता। RBCs जो कि 3.5 से 4.5 मिलियन के करीब ब्लड के अंदर होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, WBCs रिलेटिवली लेसर इन नंबर होते हैं और 7,000 पर माइक्रोलीटर के करीब इनका नॉर्मल काउंट होता है। RBC का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है जबकि WBCs का लाइफ स्पैन कम होता है और डिफरेंट टाइप्स पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ WBC पे कि उसका लाइफ स्पैन कितना होगा। और WBCs का फंक्शन डिफेंस है जबकि RBCs का फंक्शन ऑक्सीजन कैरिंग था। नाउ मूविंग ऑन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो ना सिर्फ आपके MCQs बल्कि आपके SEQs भी सॉल्व आसानी से हो सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को जब अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया तो इसमें देखा गया कि कुछ सेल्स ऐसे थे जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद थे जिनको ग्रैन्युलोसाइट्स का नाम दिया गया, और कुछ सेल्स ऐसे थे जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं थे, इनको ए ग्रैन्युलोसाइट्स का नाम दिया गया। जो ग्रैन्युलोसाइट्स थे इनको फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। ये डिवीजन उनके डाई या कलर अपटेक की बेसिस पर की गई। जब ग्रैन्युलोसाइट्स के ऊपर एसिडिक और बेसिक डाइज ऐड किए गए, इओसिन और हीमोटॉक्सिलिन, तो कुछ सेल्स ऐसे थे जिन्होंने एसिडिक डाइज अपटेक किए, कुछ सेल्स ऐसे थे जिन्होंने बेसिक डाई अपटेक किया और कुछ सेल्स ऐसे थे जिन्होंने दोनों डाइज इक्वली अपटेक किए। तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहले जो हमारे पास सेल्स आते हैं दोज आर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स टोटल वाइट ब्लड सेल्स के 62% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एसिड और बेसिक डाइज दोनों को इक्वली अपटेक करते हैं, इस वजह से ये आपको पर्पलिश या वॉयलेट नज़र आएंगे। इन सेल्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन फेगोसाइटोसिस है। ये याद रखें कि आपकी बॉडी के अंदर दो सेल्स ऐसे हैं जो कि फेगोसाइटोसिस के अंदर प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, दोज आर द मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के लाइसोसोम्स के अंदर बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको फेगोसाइटोज्ड बैक्टीरिया और पैथोजेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
सेकेंड नंबर पर हमें जो ग्रेनुलोसाइट्स नज़र आते हैं वो ईओसिनोफिल्स हैं। ईओसिनोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स के टोटल 2.3% होते हैं। ये रेड डाई अपटेक करते हैं और इनका रोल होता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस में। अगर बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट जैसे कि राउंड वर्म, एस्कैरिस या हुक वर्म या पिन वर्म या टेप वर्म या लिवर फ्लूक जैसा कोई पैरासाइट आ जाए तो उनके अगेंस्ट ईओसिनोफिल्स डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ईओसिनोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं इनमें खास पैरासाइट्स को किल करने के लिए एंजाइम्स और केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ईओसिनोफिल्स का कुछ रोल एलर्जी के को कंट्रोल करने में भी है। इस रोल को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास बेसोफिल्स आते हैं। बेसोफिल्स ब्लू यानी कि बेसिक डाई अपटेक करते हैं, जिसका मतलब है कि ये खुद एसिडिक इन नेचर होते हैं। इनके ग्रेन्यूल्स के अंदर हिस्टामिन और हेपरिन मौजूद होती है। बेसोफिल्स का मेजर रोल एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। जब भी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शंस का सामना होता है तो बेसोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ये टोटल वाइट ब्लड सेल्स के 0.4% बनाते हैं। इसके बाद ए ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। इनमें सबसे पहले मोनोसाइट्स आते हैं जो कि टोटल वाइट ब्लड सेल्स का 5.3% होते हैं। मोनोसाइट जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैक्रोफेज की इमेच्योर फॉर्म होते हैं। मोनोसाइट्स जब मैच्योर होते हैं तब वो मैक्रोफेज बनकर फेगोसाइटोसिस करते हैं। इनके अंदर एक ही लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि किडनी शेप्ड होता है। इसके बाद ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जबकि टी लिम्फोसाइट्स लिम्फोकाइंस और ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके बाद ये स्लाइड आप देख सकते हैं, ये आप पिछले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। ये जेनेसिस है ब्लड सेल्स का कि किस तरह स्टेम सेल्स से, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से डिफरेंट ब्लड सेल्स बनते हैं, चाहे वो आरबीसीज हों या चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हों। प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाते हैं और इन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से फर्दर सेल्स बनते हैं, आरबीसीज भी और डब्ल्यूबीसीज भी, और उनके बाद उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है और वो अपनी मैच्योर फॉर्म्स जो है अचीव करते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आते हैं और ये स्टेम सेल्स दो तरह के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाते हैं, एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन और एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से फर्दर आरबीसीज बनते हैं, वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इसके अंदर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से डिफ्रेंसिएशन के बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट्स CFUGM बनता है, जिससे ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स बनते हैं और मोनोसाइट्स बनते हैं जो कि बाद में मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस बनाते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से एक और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनता है जिसको CFUM कहते हैं। CFUM से मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, ऐसे मेगा यानी कि लार्ज, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, साइट्स यानी कि सेल्स, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं और इन सेल्स के ब्रेकडाउन होने से, इनके साइटोप्लाज्म की श्रेडिंग से प्लेटलेट्स बनते हैं। उसके बाद लिम्फॉइड स्टेम सेल्स पर अगर आएँ तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जेनेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, अब ये डिफ्रेंसिएशन है कि किस तरह कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स से एक सीरीज ऑफ सेल्स चलती है। इनको हम दो सीरीज में डिवाइड करते हैं, माइलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में। माइलो का बेटा मतलब होता है बोन मैरो, तो वो तमाम सेल्स जो कि बोन मैरो में बनते हैं उनका जो प्रिकर्सर सेल होते हैं वो माइलोसाइट्स कहलाते हैं, जिनसे माइलोब्लास्ट बनते हैं और उसके बाद इनकी फर्दर डिफ्रेंसिएशन से ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स बनते हैं। फिर वो सेल्स जो कि लिम्फॉइड इन नेचर होते हैं, जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन से
लिम्फोब्लास्ट बनते हैं और इनकी फाइनल फॉर्म्स जो होती हैं वो दो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद ये एक नेक्स्ट स्लाइड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, वाइट ब्लड सेल्स का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं, और लेकिन फिर भी ये आरबीसी के 120 डेज से कम होते हैं। सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इनकी लाइफ ब्लड के अंदर 4 to 8 hours होती है, लेकिन टिश्यू के अंदर ये 4 to 5 days तक सर्वाइव कर सकते हैं। मोनोसाइट्स जब ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे होते हैं तब ये 10 to 20 hours तक सर्वाइव कर सकते हैं ब्लड में, इसके बाद जो है इनको ये डिग्रेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि टिश्यूज़ के अंदर ये जब एक्टिव होकर मैक्रोफेज बनते हैं तब ये मंथ्स से ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है टीबी के बैक्टीरियम को जब मैक्रोफेजेस डाइजेस्ट नहीं कर पाते या इंगल्फ करके उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो वो उनको कई सालों तक भी अपने अंदर कैप्चर करके टिश्यू के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो टिश्यूज़ के अंदर मंथ्स से ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ब्लड के अंदर सिर्फ कुछ आवर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं और टिश्यूज़ के अंदर वीक्स से मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी टाइप पर डिपेंड करता है और बॉडी की नीड पर डिपेंड करता है, लेकिन एज ए जनरल रूल लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर कुछ आवर्स तक सर्वाइव करेंगे जबकि टिश्यू के अंदर वीक्स से मंथ तक सर्वाइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये क्वेश्चंस जो है ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, जबकि प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर सिर्फ 10 days तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग द लाइफ स्पैन्स ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स इन डिटेल, लेट्स मूव ऑन। अब हम तमाम वाइट ब्लड सेल्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। इनमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वो इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जो किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस साबित होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आने वाले इन्वेडिंग एजेंट्स को फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। ये दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन इनके दरमियान में कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो में बनने के बाद जब सर्कुलेशन में आते हैं उस टाइम पर ये मैच्योर सेल्स होते हैं और उनमें उसी टाइम ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो किसी भी बैक्टीरिया या पैथोजन को फेगोसाइटोस करके डिस्ट्रॉय कर सकें। जबकि मोनोसाइट्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बोन मैरो में बनने के बाद जब ब्लड में आते हैं उस टाइम पर ये इमैच्योर सेल्स होते हैं और ये किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। मोनोसाइट्स जब ब्लड वेसल्स से निकलकर टिश्यू में आते हैं और स्वेल होते हैं उस टाइम पर ये एक्टिवेट होते हैं और अब मैक्रोफेज कहलाते हैं और अब वो कैपेबल हैं किसी भी किस्म के एजेंट के अगेंस्ट कॉम्बैट करने के लिए या फाइट करने के लिए। बेटे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि किस तरह न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल से निकलकर साइट ऑफ इंजरी की तरफ आते हैं और इस प्रोसेस को कीमोटेक्सिस कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटे होता किस तरह है कि जब भी टिश्यू में कहीं पर इंजरी होती है तो साइट ऑफ इंजरी पर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि 7 पड़ी ब्लड वेसल में से न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं टू द साइट ऑफ इंजरी। अब ये केमिकल्स क्या हो सकते हैं, इन केमिकल्स को कीमोटेक्टिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि नाम से एविडेंट है, कीमो यानी कि केमिकल, टेक्टिक यानी कि मूव या मूव कराने वाले सब्सटेंसेस। कीमोटेक्टिक सब्सटेंसेस में सबसे पहले बैक्टीरिया या वायरसेस जो इन्वेड कर रहे हैं टिश्यू को, उनके टॉक्सिन्स आते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये टॉक्सिन्स न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इन टॉक्सिन के प्रोड्यूस होने से जो टिश्यू डैमेज होता है या जो टिश्यू इन्फ्लेम होता है उससे भी ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे।
ये एक प्रोटीन की सीरीज़ है, कैस्केड है, जिसमें एक प्रोटीन नेक्स्ट प्रोटीन को एक्टिवेट करती है और अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पैथोजन या एजेंट को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो अलोंग दिस पाथवे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें से एक प्रोडक्ट C5A कहलाता है। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोटेक्टेंट है जो कि न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है टू द साइट ऑफ इंजरी। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि क्लॉट करने में, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, वो भी जो है कीमोटेक्टिक फैक्टर्स हैं और न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं टू द साइट ऑफ इंजरी। जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर साइट ऑफ इंजरी है जिसको आप कीमोटेक्टिक सोर्स कहेंगे, तो ज्यों ज्यों डिस्टेंस कीमोटेक्टिक सोर्स से बढ़ता जाता है, कीमोटेक्टिक सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती जाती है। ये कीमोटेक्टिक सब्सटेंसेस जब ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रोफिल्स फ्लो कर रहे होते हैं, ये इन न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है टू द साइट ऑफ इंजरी। इन कीमोटेक्टिक एजेंट्स की मौजूदगी में न्यूट्रोफिल वेसल की वॉल के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मार्जिनेशन। ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल की पोर्स के दरमियान में से स्क्वीज होकर टिश्यू स्पेस में आते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडेसिस। न्यूट्रोफिल जब एक दफ़ा टिश्यू स्पेस के अंदर आ जाता है तब इसकी मूवमेंट टूवर्ड्स द कीमोटेक्टिक सोर्स एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू होती है। जिस तरह एमीबा सूडोपोड्स एक्सटेंड करके मूव करता है, उसी तरह न्यूट्रोफिल अब कीमोटेक्टिक सोर्स की तरफ मूव करेगा थ्रू एमीबॉइड मूवमेंट। दिस इज नोन एज कीमोटेक्सिस। आप ये प्रोसेस इस एनिमेशन में देख भी सकते हैं कि ये एक न्यूट्रोफिल है जो कि कीमोटेक्टिन्स की मौजूदगी में मार्जिनेशन करता है, यानी कि रोल करता है विद द ब्लड वेसल और फिर ब्लड वेसल के साथ अलाइन होता है और फिर उसके बाद रोल करता हुआ जाता है और स्क्वीज़ होकर पोर्स के दरमियान से बाहर आता है और उस एरिया में जहाँ पर इंजरी है वहाँ पर आकर बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है। यहाँ पर आप ये दोबारा देख सकते हैं अभी कि ये न्यूट्रोफिल पहले मार्जिनेशन करेगा, फिर रोल करेगा, फिर स्क्वीज होगा थ्रू द टिश्यू पोर्स और फिर आकर टिश्यू स्पेस में फेगोसाइटोसिस करेगा ऑफ द बैक्टीरिया। फेगोसाइटोसिस आप ये इनिशियल चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम दोबारा अगर डिस्कस कर लें तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को इंगल्फ करते हैं और फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। न्यूट्रोफिल्स एट अ टाइम 3 to 20 बैक्टीरिया को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि मैक्रोफेजेस एक टाइम पर 100 बैक्टीरिया को भी इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्रोफेजेस आर स्ट्रॉन्गर फेगोसाइटोटिक सेल्स एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पर आप ये एक एनिमेशन देख सकते हैं कि इसमें एक न्यूट्रोफिल जो कि इजीली मूव करके टिश्यू स्पेस में बैक्टीरिया को फॉलो कर सकता है और इसको इंगल्फ कर सकता है। ये आप बैक्टीरिया की मूवमेंट देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया मूव कर रहा है और इसके पीछे ये जो सेल है ये न्यूट्रोफिल है। जबकि मैक्रोफेज टिश्यू के अंदर फिक्स्ड होता है और वो मूव नहीं करता और वो सूडोपोर्स एक्सटेंड करके बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है। ये रेड बैक्टीरियम आपको नज़र आ रहा है और ये ग्रीन सूडोपोर्स एक्सटेंड करता है और इस तरह ये इंगल्फ करता है बैक्टीरिया को और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि मैक्रोफेजेस बॉडी के नॉर्मल सेल्स को फेगोसाइटोस क्यों नहीं करते। नॉर्मल सेल्स के ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको फेगोसाइटोज नहीं होने देते, या वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर ना हो तो मैक्रोफेजेस सेल्स को फेगोसाइटोज कर लेते हैं। सबसे पहले जिस सेल को फेगोसाइटोज करना हो उसकी सरफेस रफ होती है। एक हेल्दी सेल की या नॉर्मल सेल की सरफेस स्मूद होती है, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक अनहेल्दी सेल या एजिंग सेल
या वो सेल जो कि बॉडी में का नहीं है और कोई इन्वेडिंग सेल है, उसकी सरफेस स्मूद नहीं होगी, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स जो है मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस उसको पहचान जाएंगे कि ये सेल फेगोसाइटोज होना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट, ग्लाइकोकैलिक्स जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो प्रोटीन्स हैं वो अगर मौजूद ना हो तो ऐसे सेल को मैक्रोफेजेस इंगल्फ करके फेगोसाइटोस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे सेल को भी मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेते हैं। ये उसी पॉइंट की एक्सटेंशन है क्योंकि मेजॉरिटी प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। जब प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे से रिमूव हो जाती हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रिमूव होने की वजह से अब ओवरऑल मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि ये सेल या तो अनहेल्दी है या इंजर्ड है या एजड सेल है या कोई सेल है जो कि बाहर से इन्वेड करके आया है, तो ऐसे सेल को मैक्रोफेजेस इजीली आइडेंटिफाई करके इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद ऐसा सेल जो कि ऑप्सोनाइज्ड हो उसको मैक्रोफेजेस इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। ये वर्ड ऑप्सोनाइज्ड शायद आपने पहले ना सुना हो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्सोनाइजेशन से मुराद है कि किसी भी चीज़ को पैलेटेबल बना देना, पैलेटेबल यानी कि टेस्टी बना देना, मैक्रोफेज के लिए ईजी बना देना टू इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय। अब कोई भी सेल ऑप्सोनाइज तब होता है जब उसके साथ कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या एजेंट अटैच हो जाए जिसको मैक्रोफेजेस इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि वो सेल्स जिनको मैक्रोफेजेस के थ्रू फेगोसाइटोस कराना हो बॉडी ने, उनके साथ कुछ प्रोटीन लग जाती हैं जैसे कि एंटीबॉडीज IgG और कॉम्प्लीमेंट पाथवे जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था, जो कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, उसका एक बाय प्रोडक्ट C3b। C3b और एंटीबॉडीज IgG जिस सेल के साथ अटैच हो जाएं, अब वो पैलेटेबल हो जाता है फॉर मैक्रोफेजेस, ईजी हो जाता है फॉर मैक्रोफेजेस टू इंगल्फ एंड फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय। सो ऑप्सोनाइजेशन इज अनदर क्राइटेरिया फॉर फेगोसाइटोसिस। बेटे इसमें से ऑप्सोनाइजेशन पे MCQ आ जाता है कि इनमें से कौन सा एजेंट है जो कि ऑप्सोनाइजेशन कराता है, तो C3b और IgG दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं या ऑप्सोनाइजिंग एजेंट्स हैं। अब बेटे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस किस तरह बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं और पेरोक्सीसोम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं। इसके अलावा दो स्पेसिफिक एंजाइम्स जो कि स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं वो है लाइसोजाइम और लाइसोफेरिन। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और लाइसोफेरिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के आयरन को बाइंड कर लेता है, और क्योंकि आयरन रिक्वायर्ड होता है किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और पॉलीफ्रेशन के लिए, तो जब लाइसोफेरिन आयरन को बाइंड कर लेता है तो अब आयरन अवेलेबल नहीं होता फॉर द बैक्टीरिया, विच कॉजेज द अरेस्ट ऑफ द साइकिल्स ऑफ बैक्टीरिया या फिर उसकी डेथ कॉज करता है। उसके बाद पेरोक्सीसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि पेरोक्सीसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें सुपरऑक्साइड्स और H2O2 और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं जो कि क्लोराइड के साथ मिलकर जो है ब्लीचिंग एजेंट्स बनाते हैं, और ये तमाम एजेंट्स जो हैं ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। सो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस किल बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड पेरोक्सीसोमल एंजाइम्स। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के व्हाट इज मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज सेल सिस्टम या व्हाट इज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसको RES भी कहते हैं। बेटे अगर RES कहीं पर लिखा हो तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, इट इज़ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम। इसके सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स क्या हैं वो स्टडी करने चाहिए। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपके मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? आपके मैक्रोफेजेस की इमेच्योर फॉर्म जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है। फिर इसके अंदर दो तरह के मैक्रोफेजेस आते हैं, फ्री मैक्रोफेजेस
और जो है मोबाइल मैक्रोफेजेस। बेटे ये बात याद रखें कि ज़्यादातर मैक्रोफेजेस फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, सिर्फ सिवियर इन्फेक्शन की सूरत में मैक्रोफेजेस कभी टिश्यूज़ में अपनी एडिशंस ब्रेक कर कर मूव कर सकते हैं और तब वो फ्री या मोबाइल मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं मोबाइल मैक्रोफेजेस और थर्ड नंबर पर हमारे पास आते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। बेटे मैक्रोफेजेस जिस टिश्यू में फिक्स होंगे उनको उसी टिश्यू के मुताबिक नाम दिया जाएगा। मैक्रोफेजेस को हर टिश्यू में डिफरेंट नाम दिया जाता है। सपोज़ ब्रेन के टिश्यू के अंदर जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं इनको माइक्रोग्लाया कहा जाता है। लंग्स के अंदर जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं इनको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहा जाता है। लिवर के मैक्रोफेजेस को कूफर सेल्स कहा जाता है। स्किन के अंदर मौजूद मैक्रोफेजेस को हिस्टोसाइट्स कहा जाता है। जबकि स्प्लीन और लिवर और बोन मैरो के अंदर स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस को भी स्पेशल नाम दिए गए हैं। उसके बाद बेटे चौथे नंबर पर जो हमारे पास कंपोनेंट आता है ऑफ आर ई एस सिस्टम, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स इन द बोन मैरो स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। जो आपके बोन मैरो और स्प्लीन के अंदर ब्लड वेसल्स की साइनोसाइट्स हैं उनको लाइन करने वाले स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो भी आपके मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। सो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन डाल भी दिया है। ये आपको एनुअल 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ आरईएस यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और इसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स बॉडी के अंदर क्या हैं और ये आरबीसीज को किस तरह इफेक्ट करता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर कि आरईएस क्या है और इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसके कॉम्पोनेंट्स में मोनोसाइट्स, मोबाइल मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस और बोन मैरो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स के स्पेशल एंडोथेलियल सेल्स आते हैं। ये चार कंपोनेंट्स मिलके आरईएस बनाते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं बॉडी की, टिश्यूज़ की, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस की, वो क्या हैं? ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर और लिवर के अंदर, स्किन के अंदर इन सेल्स को क्या नाम दिए जाते हैं वो आप मेंशन करेंगे। फिर जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट आरबीसीज, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेटे आरबीसीज जब 120 डेज का लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद इनकी सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बहुत फ्रिजाइल हो जाती हैं। क्यों फ्रिजाइल हो जाती हैं बेटे? क्योंकि एक मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। जब ये न्यूक्लियस मौजूद होता है तो ये 120 डेज का एंजाइम्स और बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल के प्रोड्यूस करके न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। और आप इस तरह समझ लें कि 120 डेज का राशन सेल के लिए प्रोवाइड करके न्यूक्लियस खुद ख़त्म हो जाता है और अब आरबीसी के अंदर सिर्फ 120 डेज के लिए प्रोटीन्स और एंजाइम्स मौजूद हैं। और जब ये अपने 120 डे के लाइफ स्पैन के एंड को अप्रोच करता है तब इसकी सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो चुकी होती है, क्योंकि उसके लिपिड्स और उसकी प्रोटीन्स जो हैं वो एजड हो चुके हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो अब ऐसे आरबीसीज जिनकी सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो चुकी हो जब स्प्लीन और लिवर के साइनोसाइट्स में से गुजरते हैं तो रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बेटे ये बात याद रखनी है कि ये आरईएस सिस्टम जो कि लिवर और स्प्लीन के अंदर मौजूद है, जब इस सिस्टम में से आपकी फ्रेजाइल आरबीसीज गुजरते हैं, ओल्ड आरबीसीज गुजरते हैं, तो ये रप्चर हो जाते हैं और इनका जो डेब्री है वो रिमूव करने में ये मैक्रोफेजेस हेल्प करते हैं। बेटे अब हम वो डिफरेंट साइट्स स्टडी करेंगे जहाँ पर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि मैक्रोफेजेस लिम्फ नोड्स के अंदर और स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है कि आने वाले किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर को जो है ये इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर तो ये ऑर्गेनिज्म लिम्फ के अंदर मौजूद है तो इनको लिम्फ नोड के अंदर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और अगर ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ब्लड के अंदर मौजूद हैं तो इनको लिवर और स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब बेसिकली बेटे लिम्फ क्या होता है? ये वो एक्सेस फ्लूइड होता है जो कि टिश्यूज़ के दरमियान मौजूद होता है। ये वेसल्स से, कैपिलरी से फ़िल्टर होकर टिश्यूज़ के दरमियान आ जाता है और इसको वापस सर्कुलेशन में ड्रॉप करने के लिए जो या वापस सर्कुलेशन में शामिल करने के लिए जो वेसल्स होती हैं उनको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं या लिम्फेटिक्स कहते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इनमें जगह जगह
जगह बीड लाइक एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको लिम्फ नोड कहते हैं। लिम्फ नोड के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, और ये इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ नोड के अंदर से, तो यहाँ पर ये इन कॉन्टैक्ट आता है विद मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेजेस अगर 100th ऑफ अ सेकेंड के लिए भी किसी पैथोजन के साथ इन कॉन्टैक्ट आए तो ये इसको इंगल्फ कर लेते हैं इस स्पीड के साथ, 100th ऑफ अ सेकेंड स्पीड के साथ, और ये उसको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरह ये लिम्फ को फिल्टर करने का रोल प्ले करते हैं। इसमें आप जो है, ये हमारे पास एक लिम्फ नोड मौजूद है, हम इसका एक लाइट रिव्यू कर लेते हैं। इसके एनाटमी, इसके स्ट्रक्चर को आप ज़्यादा डिटेल में एनाटमी में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली लिम्फ नोड जो है वो एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी एक साइड कन्वेक्स और दूसरी साइड कनकेव होती है। जो इसकी कनकेव साइड है इसको हाइलस कहते हैं। जो कन्वेक्स साइड है यहाँ से एफरेंट्स लिम्फेटिक्स एंटर होते हैं जो कि लिम्फ को कैरी करते हैं टूवर्ड्स द लिम्फ नोड, और जो इसकी कनकेव साइड या हाइलम है यहाँ से लिम्फेटिक्स लीव करते हैं। उसके बाद बेटे आप देख सकते हैं कि जो लिम्फ नोड है इसको एक कवरिंग इसके ऊपर मौजूद होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं, और ये कैप्सूल जो है ये कुछ सेप्टा भेजता है डाउनवर्ड इनटू द लिम्फ नोड और इसको डिवाइड करता है इनटू सेप्टा, और ये जो एक्सटेंशंस हैं ये ट्रेबिकुलाई कहलाती हैं। इन ट्रेबिकुलाई के साथ साथ साइनसेस मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक साइनसेस। साइनस बेटे जो है ये भी लिम्फेटिक चैनल्स को कहते हैं, ऐसे लिम्फेटिक चैनल्स जो कि लिम्फ नोड के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह लिम्फ नोड के बाहर के चैनल्स को लिम्फेटिक कहा जाता है, उसी तरह लिम्फ नोड के अंदर जो चैनल्स मौजूद हैं इनको साइनसेस कहा जाता है। तो ये आपने इस टर्म से कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो जो साइनसेस लिम्फ नोड के आउटर पोर्शन में या कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं उनको कॉर्टिकल साइनस कहा जाता है, और वो साइनसेस जो कि इसके डीपर या इनर पोर्शन में मौजूद होते हैं इनको मेडलरी साइनस कहा जाता है। और ये साइनसेस जो हैं ये लाइंड होते हैं विद मैक्रोफेजेस। तो जब फ्लूइड या लिम्फ इन मैक्रोफेजेस के अंदर फ्लो करता है तो यहाँ पर जो मौजूद मैक्रोफेजेस हैं वो इन कॉन्टेक्ट आते हैं विद लिम्फ और वो इसको फिल्टर कर सकते हैं ऑफ पैथोजेंस। अब इसमें लिम्फ किस तरह फ्लो करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से, एफरेंट लिम्फेटिक से आता है और ये इन साइनसिस के अंदर मूव करता है और यहाँ से होता हुआ इन कॉन्टेक्ट आता है जब ये मैक्रोफेजेस के साथ, और उसके बाद ये मूव कर जाता है आउट थ्रू द एफरेंट लिम्फेटिक्स। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनको जर्मिनल सेंटर्स कहते हैं। इनके अंदर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं जब इन कॉन्टैक्ट आते हैं, ये सेल्स इन कॉन्टैक्ट आते हैं विद एनी काइंड ऑफ पैथोजन। उसके बाद मूविंग ऑन, अब बात करते हैं लिवर की। आप ये देख सकते हैं कि ये लिवर के सेल्स मौजूद हैं जिनको हिपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, और इन हिपेटोसाइट्स के दरमियान में डायलेटेड कैपिलरीज हैं। लिवर की कैपिलरीज स्पेशली डायलेटेड होती हैं और इनको साइनोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको ये कैपिलरीज के क्रॉस सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। इन साइनोसाइट्स के अंदर जो है आपके स्पेशल मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जिनको कुफर सेल्स कहते हैं, और जब ब्लड फ्लो करता है इन साइनोसाइट्स के अंदर से और इन कॉन्टैक्ट आता है विद कुफर सेल्स, तो ये कुफर सेल्स इन ब्लड में मौजूद पैथोजेंस को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद बेटे ये आप स्प्लीन को का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। लिवर और स्प्लीन के अंदर ब्लड फ्लो करता है जबकि लिम्फ नोड जो है लिम्फेटिक्स को डील करता है, लिम्फ फ्लूइड को डील करता है। और अब जब हम स्प्लीन का जिक्र करेंगे तो हम ब्लड का जिक्र करेंगे, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये
एफरेंट आर्ट्रियोल है, वो ब्लड है जो कि वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी करती है इनटू द स्प्लीन, और फिर ये ब्लड वेसल डिवाइड करती है इनटू डायलेटेड कैपिलरीज जिनको साइनोसाइट्स कहते हैं। ये साइनोसाइट्स जो हैं ये इन कॉन्टेक्ट आते हैं विद द बैकग्राउंड सब्सटेंस जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको पल्प कहते हैं, रेड पल्प कहते हैं, और इस पल्प के अंदर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ये मैक्रोफेजेस ब्लड को फिल्टर करते हैं ऑफ पैथो जेंस, और उसके बाद ये जो साइनोसाइट्स हैं ये वीनस साइनोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, वीनस साइनसिस में कन्वर्ट होते हैं, और ब्लड जो है इट इज़ कैरिड अवे थ्रू वेन्स।